आज इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती पर साइड में डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे मैंने एक कुर्ती को तैयार कर लिया है, जो हमारे ये नीचे चाक का निशान होता है जहाँ पे हिप्स का निशान लगाते हैं हम, वो मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है। ये 12 इंच की मैंने तैयार कर ली। वैसे हम 14 इंच लेते हैं, अगर आप नीचे पहनते हैं तो 16 इंच तक भी ये चाक हम बना लेते हैं। तो मैंने ये 12 इंच पे छोड़ के और जो हमारा ऊपर कमर के नीचे का फिटिंग है एकदम वो फिटिंग लिया है। अब मैं नीचे इसको ऐसे यहाँ तक 6-7 इंच तक इस पे डोरी का डिजाइन बनाऊंगी, ऊपर से ऐसे यहाँ 7 इंच तक, ऐसे दोनों साइड। ये मैंने सिलाई लगा के वैसे तैयार कर रखी है। यहाँ पे हम ऐसे डोरी का डिजाइन बनाएंगे, ऐसे दोनों तरफ घुंडी लगाएंगे और बीच में डोरी लगाएंगे। इस तरह ही हम इस साइड करेंगे। इस साइड भी हम ऐसे 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं ऊपर से यहाँ ऐसे। उसके लिए हमने ऐसे वाइट कपड़े में से ये 1.5 इंच की रेब वाली पट्टी काटी है जिसके हम डोरी बनाएंगे, क्योंकि इसके नीचे वाइट प्लाजो है तो हम वाइट ही इस पे डोरी लगाएंगे। अब मैं इसको आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है, जब हम ये रेब वाली पट्टी काटते हैं ये चकोर कपड़े में से कटती है। अब मैं इसकी ऐसे डोरी बनाऊंगी। डोरी की सिलाई हम ऐसे एक पैर की सिलाई लेंगे बराबर पूरी पट्टी पर। सिलाई लगा के इसको डोरी को तैयार कर लिया। अब इसको सीधे करने का तरीका बताऊंगी। ऐसे ही डोरी हम 4-5 जितनी आपको लगानी है नीचे तक डोरी, उसी के अनुसार हम बना लेंगे। अब मैं इसको ऐसे सीधा करने का तरीका बताऊंगी। इस धागे को ऐसे 2 बार लेके और इसमें ऐसे सुई को उल्टा करके हम पूरी डोरी में बाहर निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे जब हमारी सुई बाहर निकल जाए तो इसको हम ऐसे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाली डोरी को ऐसे खींचना है इस तरह से। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हम डोरी को ऐसे खींचते रहेंगे और डोरी सीधी होती चली जाएगी। अगर आपको डोरी में कपड़ा ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ी कपड़े की कटिंग कर सकते हो। ऐसे बाहर निकाल देंगे धागे को, ये डोरी हमारी बाहर निकल गई ऐसे। अब इसको पीछे से ऐसे खींच देंगे ऐसे करके धीरे धीरे। ये हमारी पूरी डोरी सीधी हो गई। ऐसे ही हमने ये सारी डोरियां ऐसे ही सीधी कर ली है। अब मैं आपको इसे लगाने का तरीका बताऊंगी। ये 2 डोरी हमने लंबी बनाई है जिससे हम डिजाइन बनाएंगे, और ये 2 डोरी छोटी है इसके हम जो हमारी घुंडी होती है ये बनाएंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे। उसके लिए हम ऐसे 1.5-1.5 इंच के टुकड़े काटेंगे। अंदाजे से आप 1.5-1.5 इंच के ऐसे टुकड़े काट लेते हैं हम ऐसे। जैसे यहाँ पे मैंने 7 इंच का निशान लगाया, इस पे हम ऐसे 1-1 इंच के निशान लगा देंगे जहाँ पे हम घुंडी लगाएंगे। ऐसे एक निशान इधर लगा दिया, ऐसे 1-1 इंच पे। ये हमारे यहाँ 7 निशान हो गए और ऐसे ही हम इस साइड करेंगे।
एक ये छह पे लगा दिया और एक एक इंच के हम इस पे दोनों साइड, दूसरी साइड भी हम इस तरह से ही निशान लगा देंगे। अब मैं इसमें घुंडी लगाने का तरीका बताऊं। इधर से ऐसे हम ऐसे ये करेंगे, और जो मैंने ये पट्टी काटी है 1.5 इंच की, इसको ऐसे करके हम इसके जहां पे मैंने निशान लगाया है वहां पे ऐसे लगा देंगे। ऐसे जहां जहां मैंने निशान लगाया वहां पे हम ऐसे एक एक साइड में सात सात बूंदी ऐसे लगा दें। इस तरह से अब मैंने एक तरफ ये सात घुंडी लगा ली, अब हम ऐसे ही दूसरी तरफ लगाएंगे। ये निशान लगाया इस इनकी बराबर भी ऐसे इधर इस साइड भी लगा दे। जैसे मैंने दोनों तरफ ये घुंडी लगा के ऐसे कुर्ती को ये तैयार कर लिया, ये मैंने और इस साइड भी लगा दी। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। जैसे ये डोरी है इसको हम ऐसे डालेंगे, इन गुंडी में को इस तरह से निकालेंगे, ऐसे आधी आधी साइड निकालेंगे और आधी साइड ऐसे। अब ये वाली डोरी इस गुंडी में को, ये वाली इस गुंडी में को ऐसे पलट कर इस तरह से ऐसे लगा, और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे डालना है ऐसे। दोनों तरफ ऐसे ही हम ये डोरी डाल देंगे। जैसे मैंने ये डोरी डाल के इसमें तैयार कर लिया, दोनों साइड से हमने इस तरह से किया है, इस साइड से ये ऐसे। ये हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई। ऐसे आप किसी भी कुर्ती में डिजाइन डाल सकती हो, आप नीचे तक भी डिजाइन ले सकती हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको और डिजाइन कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकती हो।